नंदुरबार रेल्वे स्टेशनच्या नजीक गांधीधाम पुरी एक्सप्रेसच्या एका डब्याला आग लागल्याने रेल्वे प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली. दरम्यान वेळीच आग लागलेल्या डब्याला वेगळे करण्यात आले, त्यामुळे आग लवकर आटोक्यात आणल्याने पुढील अनर्थ टळला. गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस नंदुरबारला 11 वाजता सुरुवातीला पोहोचली असता एक्सप्रेस पेंट्री कारला अचानक आग लागल्याने रेल्वेतील प्रवाशांसह रेल्वे प्रशासनाची मोठ्या प्रमाणात धावपळ उडाली. परंतु रेल्वे चालकाला आग लागल्याचे कळताच ताबडतोब गाडी थांबवण्यात आली व आग विझवण्याचे काम तातडीने करण्यात आले. यात कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही, परंतु रेल्वेचे नुकसान झालेले आहे. या घटनेमुळे रेल्वे स्थानकावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमा झाली आहे. सारे प्राइवेट से लेकर एक साथ एकजुट होकर जिन्होंने आग बुझाने में सहयोग किया, मैं पूरे पब्लिक को यहाँ के धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने नगर पालिका को अवसर धन्यवाद, उन्होंने भी अपना अभी हम लोग को हम तो बाहर में गाड़ी घूम से आ रही थी, तो आग कैसे लगा इससे पूरा पता नहीं चलता. अभी तक तो कोई सा खबर नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ रेलवे के नुकसान हुआ है. हम बीफाई में बैठे हुए थे, अचानक पेंट्री का आदमी दौड़ के आया, बोला चेन पुलिंग करो, गाड़ी में आग लगी. फिर हमारे एक आदमी ने चेन पुलिंग किया, चेन पुलिंग हुआ नहीं. फिर हमने सब पैसेंजर को बोला कि भाई आप बीफाई में से गाड़ी में आग लग गई है, अपना सामान यहीं छोड़ के बीफोर में चले गए. सब पैसेंजर बीफोर में चले गए. उसके बाद सबका सा आरपीएफ वाले आए, आरपीएफ वालों के साथ में हमने मिल के सबको सामान सबके हाथ में दिया है. ऊपर वाले की दुआ से किसी को भी कुछ जानहानि नहीं हुआ है और किसी को एक बड़ी दुर्घटना होने से बची. आप कैसे लगी, ऐसा कुछ अंदाजा लगा? ऐसा कुछ अंदाजा हमें नहीं मिला, क्योंकि हम अंदर बैठे हुए थे. फैक्ट्री वाले ने आके बोला कि भाई गाड़ी में आग लगी है, जल्दी चेन पुलिंग करो. हमने चेन पुलिंग की कोशिश. पेंट्री वाले ने कब बोला आपको आग लगी ऐसा? यानी गाड़ी रनिंग थी क्या, रुकी हुई थी? गाड़ी रनिंग थी, उसको जैसे मालूम चला वो डायरेक्ट दौड़ के बाहर आया और बोला कि भाई चेन पुलिंग करो, गाड़ी में आग लगी. मतलब आग लगने से 5 मिनट ही हुआ होगा और गाड़ी रुक गई थी.